गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। अभी तक हमने कई सारे फॉर्मूले देख रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, लाइक वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इंटीग्रल ईडीएस एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r² ये सारे फॉर्मूले हम अभी तक देख चुके हैं। अब मूविंग फर्दर फ्रॉम देम, अब हम देखेंगे कि जब बहुत सारे चार्ज एक पर चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। जैसा हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमने प्रीवियसली फॉर्मूला निकाला था, जो कि डिस्टेंस आर पर रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r के बराबर हमने वैल्यू निकाली थी इसकी, वेयर आर इज द डिस्टेंस, क्यू इज द चार्ज एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अब हम देखेंगे एक पॉइंट चार्ज पर ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जाता है। लेट अस सी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्जेस। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है पी, वी हैव एन पॉइंट पी एंड अदर पॉइंट्स और ऑल्सो वी आर हैविंग लाइक दैट। Q1 डैश Q2 Q3 Q and dash dash many of the value like that, and distance from P to this is R1, distance from this R2, distance from here we have R3, distance from there dash up to RN, and potential जो कि V1 के पास है वो potential V1, पोटेंशियल जो इसके पास है B2, पोटेंशियल इसके पास B3, पोटेंशियल इसके पास BN तक। इस तरीके से हम पोटेंशियल उसे मानते हुए चलते हैं। नाउ अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया है। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल वी हैव V=1/4 पाई एप्सिलॉन Q आर, ये फॉर्मूला हमें मिला है। इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल जो चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है एट पॉइंट पी, हम इसे सिंपल से लिख दें B1। B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और डिस्टेंस पी से R1। तो ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। सिमिलरली B2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 R2, B3 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 R3, डैश डैश Qn तक हम लिखते जाते हैं। सो Bn की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Qn Rn के बराबर। अब जैसा हमें पता है टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ये जो पॉइंट हमें दे रखा है पॉइंट P, इस पर लगने वाला पोटेंशियल कितना होगा, हाउ मच पोटेंशियल इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दैट पॉइंट। तो इट इज इक्वल्स टू B=B1 + B2 + B3 + डैश डैश अप टू बी इन।
हमारे पास इतना पोटेंशियल निकल करके आएगा। अब इन सब की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, बी की वैल्यू वी हैव 1/4πε0Q1R1+। हाँ इससे ये हमारा सिंपल मैनर में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं अपने पोटेंशियल को, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो इसके बराबर हमें वैल्यू मिलेगी। और सिंपली कहना चाहें तो V इक्वल टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n V I के बराबर वैल्यू हमें ऑप्टेन होती है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मेशन, हम इस तरीके से भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। सो वी हैव 1/4πε0Q2R2+1/4πε0Q3R3+1/4πε0QnRn के बराबर वैल्यू हमें ऑप्टेन होंगी। नाउ ये सारी वैल्यूज में हम 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4πε0 और यहाँ अंदर Q1R1 Q2R2+Q3R3-QnRn के बराबर हमें वैल्यू ऑप्टेन होती है। फर्स्ट नोट डाउन, इसके बाद हम इस पूरे को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Q i R i। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल लगेगा, हाउ मच पोटेंशियल एट अ पॉइंट P व्हेन ग्रुप ऑफ चार्ज अप्लाइंग ऑन इट। अगर हम R को आर आई जो है हमारा इसे हम पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है आर नॉट आर आई के बराबर बनती है। सो व्हाट हैपन, जस्ट तो हम पोटेंशियल को ऐसे आर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, तो ये वेक्टर फॉर्म की अगर हम मॉडुलस कर दें, अप्लाइंग मॉडुलस आर वेक्टर मॉड, ये हमारे पास वेक्टर वेक्टर का मॉड, तो केवल मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये आर आई वेक्टर। तो हम आर आई की जगह आर आई, देखिए जरा आर आई को हम आर वेक्टर मॉडुलस I की फॉर्म में लिख सकते हैं और आर आई की आर वेक्टर की वैल्यू जो होती है आर नॉट आर आई 1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर आर आई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में हम अपना पोटेंशियल लिख सकते हैं फॉर दिस कंडीशन, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम निकालें तो उस कंडीशन में पोटेंशियल कितना लगेगा। सो वी हैव वी इक्वल्स टू यहाँ से 1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Q i R वेक्टर, और ये वेक्टर को ओवरकम करने के लिए मॉडुलस लगा दिया, ये फॉर्म बनती है एक। और दूसरा क्या हो सकता है, वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Q i R0 R i वेक्टर वेक्टर का मॉडुलस, तो ये दी फॉर्मेशन हमारे पास आते हैं। दीज आर ऑल्सो द फॉर्मेशन फॉर द पोटेंशियल वी आर गोइंग टू बी हैव बाय द ग्रुप ऑफ चार्ज। तो हमारे पास यहाँ से कितने फॉर्मेशन आए, 1 2 3 4 5 5 फॉर्मेशन, 1
दो, तीन, चार, पांच। ये पांच तरीके के फॉर्मेशन हमारे पास आते हैं फॉर द पोटेंशियल, कि पोटेंशियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर? हमने जाना पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज कितना लगता है, तो क्यों, तो और पांच फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट की। पहला, ग्रुप ऑफ चार्ज लग रहा है तो B1, B2, B2 सेपरेटली हम उनका पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बराबर हमें वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी, और हम इस पूरे को समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, वी इक्वल टू 1.4 एप्सिलॉन समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में मॉड हमने इसलिए लगाया क्योंकि वेक्टर को काउंटर करने के लिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से कितना लगता है, ये हमने देखा। नोट डाउन। इसके बाद अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू टैपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डैपोल। डैपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर लग सकता है। इसके लिए हम एक डायपोल लेते हैं। लेट अस वी हैव दैट Q1 नेगेटिव Q, दैट इज पॉजिटिव Q। हम इसका सेंटर यहां मानते हैं, दैट इज O, दैट इज एन A एंड B। ये सब हमारे पास, ये हमारे पास एक डायपोल है। इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2a है। डिस्टेंस बिटवीन डायपोल जो है 2a के बराबर है, और इट हैज एन पॉइंट, उसके पास एक पॉइंट है P। यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हैं। इसे हमने लिया R1, इसे लिया हमने R2। और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है उसे हमने माना आर, इट्स एन आर, और हियर देयर इज एन थीटा ऑल्सो। यहां पर एक एंगल बनाते हुए थीटा ये मोशन दिखा रहा है हमको। तो हमने क्या देखा, ये एक डायपोल है, इट्स डायपोल, और डायपोल जो होता है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाएगा, और प्लस क्यू के लिए जो पोटेंशियल है वो होगा, मान चलते हैं B1, ये जो R1 डिस्टेंस है, और हमने माना तो यहाँ जो पोटेंशियल चलेगा वो हमारा रहेगा B1, यहाँ रहेगा B2, B1 एंड B2 पोटेंशियल रहेगा। फर्स्ट नोट डाउन हियर। दूसरी बात इसमें हमें जो देखनी है वो ये है कि यहां पर हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी 2a, और एक चार्ज हम जैसे जानते हैं q, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाती है 2qa के बराबर, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में जान चुके हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू, डायपोल का मोमेंट। इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ B1 एंड वैल्यू ऑफ B2। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि पॉइंट ए पर है, पॉइंट सॉरी पॉइंट बी पर है, पॉइंट बी पर चार्ज है, वो कितना पोटेंशियल लगाता है, दैट इज बी वन। बी वन पोटेंशियल लगाता है, ऐसे हमने बी वन माना, तो बी वन की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 1/4 पाई एप्स नॉट क्यू वन आर वन के बराबर। ये वैल्यू हमारे पास रहती है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस के क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस के क्यू, कितना पोटेंशियल निकल के आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू बी टू 1/4 पाई वन अपॉन फाइव एप्स नॉट चार्ज। तो दोनों का हाँ, सेम ही है, लेकिन साइन का अंतर है, तो हम यहाँ केवल साइन के अंदर से लगेंगे, प्लस का साइन है यहाँ, यहाँ माइनस का R2। इस फॉर्म में हमें वैल्यू ऑप्टेन होती है। नाउ नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना लगेगा एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर टोटल चार्ज कितना लगेगा, जब पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से आर है, और ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, हम मान के चलते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है जिसका सेंटर से डिस्टेंस आर है, यहाँ ये पोटेंशियल जो लग रहा है बी बी है, तो बी की वैल्यू जो होगी बी वन प्लस बी टू अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। जो भी हम निकाला इस जो भी हम निकाला था यहाँ पर, इसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कह सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये होगा वी इक्वल्स टू बी वन प्लस बी टू के बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू बी वन प्लस बी टू के बराबर हमारा हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वी की वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्स नॉट प्लस क्यू आर वन प्लस 1/4 पाई एप्स नॉट माइनस के क्यू आर टू। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। नाउ इसमें हमें क्या जो जो चीज़ कॉम मिल रही है इतना कर लेते हैं। वी इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 1/4 पाई एप्स नॉट कॉम मिल रहा है, क्या बचा क्यू आर वन, और ये माइनस साइन आगे लगा दिया क्यू आर टू, ये बोला क्यू को भी हम कॉम ले सकते हैं, तो क्या बचा वी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्स नॉट, और क्यू को मैं यहां लिख देता हूं क्यू, और यहां बचा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारे पास पोटेंशियल निकल करके आता है एट अ पॉइंट पी, इतना पोटेंशियल निकल करके आता है। नोट डाउन। नाउ अब हम इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करेंगे टू सॉल्व इट। देखिए ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास क्या मिस्टेक हो गया इसमें। तो यहां पर इसे हम जो एंगल यहां बन रहा है इसे हम थीटा मानते हैं, और इसे हम मानते हैं 180 माइनस थीटा। नाउ अब इसमें ज्योमेट्री लगाते हैं फॉर दिस रेडियस एंड दिस एंगल, इस ट्राइंगल के लिए
ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए ज्योमेट्री और इसके लिए ज्योमेट्री हम लगाएंगे, तो हमारे पास जो आर वन की वैल्यू निकल के आएगी, हमने क्लास नाइन्थ में क्लास टेंथ में ऐसा किया था, यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल लेते थे, तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है इन सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में हमने किया था। सो हमारे पास जो वैल्यू थी वो निकलती थी, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए करते हैं, आर वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस 180 माइनस थीटा के बराबर वैल्यू निकलती थी। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब नेगेटिव कॉस थीटा के बराबर होता है, तो आर वन की वैल्यू हमारे पास, आर वन की वैल्यू जो हमारे पास हो जाती है वो जाती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नेगेटिव टू ए आर कॉस थीटा के बराबर, इसके बराबर वैल्यू निकल के आती है। वहीं हम आर टू का केस देखते हैं, इन केस ऑफ आर टू फॉर आर टू के लिए हम करते हैं, तो हमारे पास यही आर है और यही ए है। देखिए ये ए और ये हमारा आर है, ये हमारा ए है इस ट्रायंगल के लिए, एंड इस ट्रायंगल के लिए ये आर टू, ये आर वन और ये आर, दो ट्रायंगल हैं। ये हमने किया ट्रायंगल पीओ, यहाँ ऊपर वाले ट्रायंगल में देखा, ये हमने इस ट्रायंगल में देखा, ट्रायंगल पीओबी आ रहा नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो आर वन की वैल्यू हमारे पास आती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए आर कॉस 180 माइनस थीटा ट्रायंगल पीओबी में, और 180 माइनस थीटा की वैल्यू नेगेटिव करते हैं टू ए आर कॉस थीटा के बराबर आ गई। सेकंड केस आर टू में, आर टू की वैल्यू हमारे पास आती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा ही है, कोई और एंगल नहीं है, थीटा एंगल थीटा, ये दो वैल्यू हमें मिली। नाउ हम देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, नाउ दोनों में से हम आर को कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग आउट कॉमन आर, ये कंडीशन ऐसे कुछ नहीं आते। अब हम आर वन को, आर वन जो है हमारे पास उसकी वैल्यू थी आर, उसमें से हम आर को कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जब आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं इस वाली वैल्यू में से, तो क्या बनता है मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की केस में नेगेटिव है, नेगेटिव टू ए आर अपॉन आर कॉस थीटा, ये बनता है। वहीं आर टू का केस लेते हैं, आर टू का केस तो आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू ए आर अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर टू हमारा कैसा था, पॉजिटिव था जी। अब क्या बचता है हमारे पास आर वन की वैल्यू, आर वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन, और देखिए अभी रुक जाइए, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा, एंड आर टू की वैल्यू हमारे पास है आर टू की वैल्यू आर स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू ए आर
कॉस थीटा, ये वैल्यू निकल करके हमारे पास आती है। नाउ जैसा हम देख रहे हैं तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर जो होता है बहुत ही लार्ज वैल्यू होती है, तो इसे इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इट इज नेग्लिजिबल। तो इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। फर्स्ट से आ रहा है यहाँ पर। तो क्या है कि हमारा जो आर बहुत बड़ा है ए से, इसीलिए अगर हम ए बाई आर निकालें तो वो स्मॉल वैल्यू आएगी, बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, लेकिन ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो वेरी स्मॉल, वेरी बहुत छोटी आएगी, इसलिए नेगलेक्ट की जा सकती है। इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, व्हाट वैल्यू वी हैव इज दैट आर वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन अपॉन, ओके वन तो बनी रहेगा, वन माइनस टू ए आर कॉस थीटा एंड स्क्वायर 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 सब पे स्क्वायर लगाना है एंड आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस टू ए आर कॉस थीटा, ये वैल्यू निकल के आती हूँ। नाउ रोटेट इट, हम वन अपॉन आर वन का होल स्क्वायर ऐसे ऐसे लिखें, या इसे लिखने से पहले हम थोड़ा रूट का कुछ काम कर लेते हैं। तो हम इस रूट को इधर उठा देते इधर कर देते हैं, सो वी हैव आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आर ब्रैकेट में वन माइनस टू ए आर कॉस थीटा वन बाई टू एंड आर टू पर आर वन प्लस टू ए आर कॉस थीटा वन बाई टू, ये वैल्यू निकल करके आती है। नाउ वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, तो वन अपॉन आर की वैल्यू हम जब देखते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास आर वन अपॉन आर ब्रैकेट में वन माइनस टू ए आर कॉस थीटा टू ए आर कॉस थीटा नेगेटिव वन बाई टू एंड वन अपॉन आर टू वन अपॉन आर वन प्लस टू ए आर कॉस थीटा नेगेटिव वन बाई टू, इसके बराबर वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। हाँ नाउ ऑन एक्सपेंडिंग बाइनोमियली, जब हम इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, ऑन एक्सपेंडिंग बाइनोमियली तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वन अपॉन आर वन इक्वल्स टू वन अपॉन आर ब्रैकेट वन माइनस जस्ट मिनट यहां से प्लस और यहां ए आर कॉस थीटा, इससे भी आगे एक्सपेंशन होगा लेकिन हम इससे आगे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। नाउ वन अपॉन आर टू की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल आएगी वन अपॉन आर वन माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा के बराबर,
ये वैल्यू हमारी निकल करके आएंगी R1 और R2 की, R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आएंगी। नाउ अब ये वैल्यू जो है हम अपनी इस वैल्यू में पुट कर देंगे, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन R1 एंड 1 अपॉन R2 इन V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट क्यू R1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 क्यू में। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो P की वैल्यू मेरे पास क्या बनती है, क्यू 4 पाई एफ नॉट, ओके यहां से थोड़ा ऐसा बैक लेते हैं, इसमें R1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1 अपॉन आर एंड इसे ब्रैकेट को यहाँ से नहीं लगाते, हम इसे कहते हैं 1 अपॉन आर ब्रैकेट में 1 प्लस ए आर कॉस थीटा, ये वैल्यू है, एंड माइनस 1 अपॉन आर माइनस के 1 अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस a/r cos थीटा ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, इसके बराबर वैल्यू हमारी निकल करके आती है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो क्या वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, ये आती है v इक्वल्स टू q 4 पाई एप्स नॉट 1 अपॉन आर ब्रैकेट 1 प्लस a/r कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस a/r कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। इसमें 1 अपॉन आर कौन मिल रहा है, तो 1 अपॉन आर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो v इक्वल्स टू क्यू 4 पाई एप्स नॉट आर और अंदर बचता है 1 प्लस a/r कॉस थीटा माइनस 1 माइनस a/r कॉस थीटा। हम यहां देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस से ये प्लस का हो गया, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, q 4 पाई एप्स नॉट r ब्रैकेट एंड a/r cos थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी a/r cos थीटा के बराबर हो गया, a/r cos थीटा के बराबर हो गया, और दोनों को लिखा तो 2 a/r cos थीटा बन गया। तो v इक्वल्स टू q 4 पाई एप्स नॉट r 2 a/r cos थीटा, इसके बाद वैल्यू भी बनती है 2 a/r cos थीटा। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जरा देखते हैं, इसे लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू 2 qa और r से r मल्टीप्लाई हुआ 4 पाई एप्स नॉट r स्क्वायर
एंड कॉस थीटा। इसके बराबर वैल्यू निकल करके आई। और जैसा हमने देखा था अभी, तो डैपल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वहां पर 2qa के बराबर होती है, यहाँ भी 2qa आ रहा है, तो हम यहाँ p लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास हो गई p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर। इट्स अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो गई जो कि डैपोल के द्वारा किसी पॉइंट पी पर अप्लाई किया जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमम पोटेंशियल कब लगेगा? मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, और कॉस थीटा मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो। जब थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तब बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है पी 4 पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर के बराबर। हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है, वहीं मिनिमम वैल्यू जब कॉस थीटा की मिनिमम होती है वो कब होती है? थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। डेट कंडीशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिकम इक्वल्स टू जीरो। इसे हम सिंपल सा कह सकते हैं वी इक्वल्स टू बी वन प्लस बी टू, और बाकी सारा हमने सॉल्यूशन में किया। तो आज हमने क्या क्या जाना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। एक पॉइंट पी पर जब बहुत सारे एलिमेंट किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना चार्ज लगाते हैं वो हमने जाना। हमने माना कि पॉइंट पी पर लगने वाला पोटेंशियल क्यू वन जो है इसके बराबर है, क्यू टू की वैल्यू इसके बराबर है, क्यू थ्री की वैल्यू हमारी इसके बराबर है, एंड क्यू एन की वैल्यू इसके बराबर है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टोटल जो पोटेंशियल होगा वो एक एक के सम के बराबर होगा। तो v इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री डैश डैश बी एन तक। इस तरह की पोटेंशियल v को हम समेशन i इक्वल टू वन टू n बी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ हमने ऑपरेट किया सब v1 की v2 की v3 की v4 की वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, और हमारे पास अगर फॉर्मेशन है v इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 टू n qi, और हमने इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का r कल टू आर वेक्टर आर आई वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मॉडुलस के साथ वेक्टर लगाया तो उसकी वैल्यू आर ही रही, और दूसरा फॉर्मेशन नेक्स्ट फॉर्मेशन हमें इस तरीके का मिला। नेक्स्ट जो हमने सीखा वो जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल के लिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए प्लस क्यू माइनस क्यू, और जो पॉइंट बी पर था उसने पोटेंशियल जो लगाया वो बी वन था, और जो ए ने लगाया वो बी टू था। तो टोटल पोटेंशियल बी वन प्लस बी टू के बराबर हो गया, और हमने इसे सॉल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो आई थी क्यू 4 पाई एप्स नॉट 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर वैल्यू आई थी। आर वन आर टू के बराबर वैल्यू आई थी, और फिर हमने आर वन को ज्योमेट्रिकली और R2 को ज्योमेट्रिकली थोड़ा ऑपरेट किया, और R1 और R2 की वैल्यू हमने ज्योमेट्रिकल मैनर में सॉल्व करने के बाद ये निकाली, और हमने इस फॉर्मूले में R1 माइनस R2 के फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब हमने पुट किया इस वैल्यू में और सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। हमने यहाँ पर ये ऐड हुए 2a एंड q, 2qa को हम कह सकते हैं डैपल मोमेंट, तो हमने इसे p बोल दिया, और cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई किसी पॉइंट के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है तब जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और वहीं जब मिनिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल की तब जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। सो नोट डाउन।